कोरोना महामारी ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो इस महामारी की चपेट में ना आया हो। क्या आम आदमी और क्या गरीब सभी इसकी चपेट में आ गए हैं और एक एक करके सभी लोगों की अब मृत्यु हो रही है। अब इन सबके बीच कोरोना महामारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। CM लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, साथ ही जमीन पर उतर कर ऑक्सीजन बेड और दवाइयों के रियलिटी चेक कर रहे हैं। CM योगी के प्रयासों का ही असर है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 9,047.27 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी ने उच्च जानकारी देते हुए बताया कि 24 घंटे में प्रदेश में 9,047.27 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। उन्होंने बताया कि सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सपोर्टर्स यूनिट्स के माध्यम से भी कुल 61.53 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति की गई है। अवस्थी ने आगे बताया कि 5,071.61 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति रिफिलर्स के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा की गई। साथ ही शासन के प्रयासों के फलस्वरूप 310.19 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों को तथा 65.48 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति ऑक्सीजन सप्लायर्स द्वारा सीधी निजी चिकित्सालयों को की गई। इस प्रकार कुल 9,047.27 मेट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई बीते 24 घंटे में प्रदेश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में की गई है। आपको बता दें, अपर गृह मुख्य सचिव ने बताया है कि कानपुर में 80 मेट्रिक तथा वाराणसी में 40 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आज पहुंच गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि जामनगर से रेल द्वारा 5 टैंकर के माध्यम से कुल 120 टन ऑक्सीजन नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर हेतु भेजी गई। इसके अलावा बरेली और मुरादाबाद के लिए भी 2 ऑक्सीजन टैंकर रेल मार्ग से भेजे गए हैं। अब इन सब के बाद योगी सरकार की हर तरफ तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सरकार हो तो योगी जैसी। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अमन यादव, VK News, दिल्ली।